हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर चैप्टर, मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का बेसिक मैकेनिज्म क्या है? कोई भी रिस्पांस परफॉर्म करना होता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उसके पीछे उसके मैकेनिस्टिक अप्रोच क्या है, हम मोलेकुलर बेसिस को डिस्कस नहीं करेंगे। हम उसमें से देखेंगे ये बिहेवियर परफॉर्म करने वाला आखिर बॉडी में कंट्रोलिंग सेंटर कौन सा मौजूद है। सबसे पहले हम इसमें से इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। आप इसमें से डेफिनेट फेमिलियर होंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसमें से नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज करता है बिहेवियर को। और जो ऑर्गेनाइज हियर लुक हियर जो ऑर्गेनाइज बिहेवियर पैटर्न है, दिस इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन इंटीग्रेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनाइज होने के बाद इंटीग्रेट होते हैं। इंटीग्रेट का मतलब आपस में लिंक्ड होते हैं, अपना फंक्शन कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड फैशन में परफॉर्म करते हैं, जैसे भी करने हैं, हर एक डिफरेंट पार्ट है, तो उसको हम दैट इज कहेंगे कि उसका एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर फिर उसके रिजल्ट में परफॉर्म होगा। ज्यादातर एनिमल के अंदर ये जो सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेशन है, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। बिहेवियर इज अ टूल विद विच द एनिमल यूजेस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट डेफिनेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द टाइप ऑफ द स्ट्यूमेनस। थ्रू बिहेवियर एन एनिमल मूव्स इटसेल्फ इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड वे एंड मैन्युपुलेट्स ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरमेंट टू सूट इट्स रिक्वायरमेंट्स। जब एनिमल ने बिहेवियर परफॉर्म करना है तो एनिमल अपने आप को मूव करेगा, अपने उसमें से ऑर्गेनाइज करेगा, अपनी डायरेक्शन को ऑर्गेनाइज करेगा और ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनिज्म के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको एनवायरमेंट के अंदर रहते हुए मैनिपुलेट करेगा जिस तरह की उसके रिक्वायरमेंट्स होंगे। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपनी मर्जी से सेटल करने के लिए, इसमें से इंटीग्रेट दैट इज एक्ट एन इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड यूनिट, इसको इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड यूनिट के तौर पे एक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ये सारे फैशन जो फंक्शन उसमें से होंगे ये इसमें हैपहैज़र्ड्स हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ओवर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेल्स एंड द केमिकल्स, उससे बॉडी के पूरे पार्ट्स के अंदर एक रब्त होता है। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम पाया जाता है सेल्स का और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के रिस्पांसिबल है। टू डिटेक्ट ट्रांसमिट इंटीग्रेट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन सप्लाइज बाय द एनिमल्स इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर यूज इन मेकिंग डिसीजन। दे कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स दैट्स कॉल्ड द रिसेप्टर्स, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की चेंज होगी, स्ट्यूमुलस होगा, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। जो स्ट्यूमुलस होगा उस स्ट्यूमुलस को सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करेंगे, जो रिसीव करने वाले होंगे वो रिसेप्टर्स कहलाएंगे। सारे सेंसरी न्यूरॉन सेंस रिसेप्टर के तौर पर एक्ट नहीं करते, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन भी रिसेप्टर के तौर पर स्ट्यूमुलस को रिसीव करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। अ मोर कॉम्प्लेक्स और लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नर्व सेल्स विच ट्रांसमिट एंड इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर एंड अदर नर्व सेल्स। इसके अलावा दूसरी बात भी है, अब इसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन तो आ गई, इसके अलावा नर्व्स का और सेटअप भी इसमें सिम्बल सिस्टम में मौजूद होता है जो इन इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करने के लिए रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर की तरफ मैसेज कन्वे करता है, यह ब्रेन सिग्नलिंग कन्वे करेगा। केमिकल मैसेंजर्स विच ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अराउंड द बॉडी ऑन अ मोर लियरली टाइम स्केल देन द नर्वस सिस्टम। अब इसमें यह भी होगा
कि नर्वस सिस्टम के साथ जो डिफरेंट केमिकल्स हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं, जो उनके केमिकल्स की फॉर्म है, वो इस इंटीग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट ओनली द नर्वस सिस्टम. मसल सेल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम इनटू एक्शन. नर्वस सिस्टम के लिए मैसेज कन्वे करेगा. मेनी सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म हैं, सब सेलर इक्विवेलेंट्स हैं ऑफ सम ऑफ दीज एलिमेंट्स. अब इसमें से ये बात हम इसमें से देखते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंटिन्यूसली बम्बार्डेड बाय द एनवायरमेंटल स्टिमुलस. एनिमल्स हैव सेंसरी रिसेप्टर्स टू रिसीव इंफॉर्मेशन. सम टाइप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सिस्टम्स टू सॉर्ट आउट एंड इंटरप्रेट स्टिमुलस, उसको सॉर्ट आउट भी करेंगे. इफेक्टर जो उसमें से होते हैं कि वो उसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिस्पॉन्स इफेक्टर ने करना है. इन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो एसोसिएटेड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन उसमें से परफॉर्म करते हैं. अब सबसे पहले इसको डायग्राम के जरिए कार्टूनिक वे में रिप्रेजेंट किया गया. यहां से दिस इज अ स्टिमुलाई व्हिच इज द एनवायरमेंटल फॉर्म था, इट इज कैन बी अप्लाई फ्रॉम एनी साइड. सेंसरी न्यूरॉन इसको रिसीव करेंगे, दिस स्टिमुलाई इसको, इसमें से जो नर्वस सिस्टम इसमें से होगा वो उसको रिसीव करेगा, परसीव करेगा, फिर अपना मैसेज यहाँ इंटीग्रेट होगा. दैट इज यहाँ से पाए जाते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसको इंटीग्रेट करेंगे. उसके बाद वो मैसेज कन्वे किया जाएगा टूवर्ड्स द एक्ट फैक्टर्स, किस फैक्टर की तरफ, जिसने वो उसका उससे स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना है. तो दस इसमें क्या होगा, फिर इफेक्टर जो उसमें से आएगा वो एनिमल का एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो चला जाएगा, वो उड़ जाएगा, वो बैठ जाएगा, वो मूव करेगा, वो उसमें से फाइट करेगा, वो फ्लाइट करेगा. ऑल दीज आर द बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, ये कौन परफॉर्म करेगा, वो इफेक्टर परफॉर्म करेंगे. जब वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, जो एक्टिविटी एनिमल परफॉर्म करेगा, ऑल दीज कैटेगराइज इन टू द एनिमल बिहेवियर रिस्पॉन्स. अब थोड़ी सी नर्व सेल की एनाटॉमी के बारे में बताता चलूं. जो नर्वस सिस्टम है मिलियंस की तादाद में स्पेशलाइज सेल पर कॉन्स्टिट्यूट करता है, दिस इज कॉल्ड द नर्व सेल्स ऑफ द न्यूरॉन्स. बेसिक फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स है, और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज फॉर प्रोसेसिंग एंड द कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन. ये स्पेशलाइज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन है, वो उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, मेमोराइज करते हैं. टिपिकल जो न्यूरॉन है उसके थ्री पार्ट्स हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको फिजियोलॉजी की डिटेल नहीं बता रहा, जस्ट आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना है कि यह सिस्टम है क्या. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा जो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाएगा. इसके प्रोसेसेस जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जिसकी दिस इज अ सेल बॉडी, दिस इज अ सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर यहां से मौजूद है. लॉन्ग एक्सॉन मौजूद होता है, दिस इज अ लॉन्ग एक्सॉन भी इसके अंदर मौजूद होता है. ये फिंगर लाइक स्नैप्टिव प्रोसेस है, एंड के ऊपर इसमें से मौजूद होते हैं. कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी यू एग्जॉन वो प्रोसेसेस कहलाते हैं जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं और सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेकर जाते हैं बॉडी के अदर पार्ट्स के. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग एग्जॉन, इसको कहा जाता है. डेंड्राइट्स, ये भी स्मॉल फाइबर्स होते हैं, ये नंबर में ज्यादा होंगे, ये नंबर में कम होते हैं. ये स्मॉल फाइबर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, दे कैरी इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी के ऊपर की तरफ मैसेज कन्वे करते हैं. इसके बेसिक थ्री प्रोसेसेस होते हैं. नर्वस सिस्टम की डिवीजन को देखा जाए तो नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन है, उसमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है. जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें से नर्व कनेक्टिंग टू द सीएनएस, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा पूरी नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर स्कैटरिंग है, ये सारी नर्व्स हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करती हैं. दिस इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्री कीज टू अंडरस्टैंड द ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन विद अ नर्वस सिस्टम and to give a particular response or वो कैसे three keys है. नंबर वन, इसमें न्यूरॉन एट रेस्ट. वे न्यूरॉन एट रेस्ट उसको कहेंगे रेस्टिंग membrane potential. जब न्यूरॉन रेस्ट के ऊपर होते हैं तो न्यूरॉन की इनर साइड नेगेटिवली चार्ज होती है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग.
और सेकंड इसकी फेज आएगी जब न्यूरॉन को स्टिम्युलेट किया जाएगा, जब अप्रोप्रिएट स्टिम्युलस मिलेगी, जब उसका लेवल थ्रेशोल्ड लेवल स्टिम्युलस का होगा, तब उसमें से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी। एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होगी व्हेन देयर इज अ स्टिम्युलेशन ऑफ द न्यूरॉन बाय द अप्रोप्रिएट द स्टिम्युलस। दैट्स व्हाई इट चेंज इट कॉज अ वेव लाइक एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन से मूव करेगा। ये जो न्यूरॉन्स की परमेबिलिटी को बदलेगा और न्यूरॉन का जो चार्ज था आउटसाइड पॉजिटिव था इनसाइड नेगेटिव था, दिस बिकम रिवर्स्ड, मोमेंटरीली रिवर्स्ड होगा। साइनेप्सिस, फाइनली न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं अदर न्यूरॉन के साथ, और दिस इज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक गैप्स और जंक्शंस होते हैं बिटवीन द टू कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, विच इज कॉल्ड द साइनेप्स। It is ultra microscope, cannot be visible under the ordinary microscope. The synapses may be electrical or other chemical. This depends upon the transmission. कि वो chemical के जरिए transmit हो रही है impulse एक neuron से दूसरे form में, या electrical connectivity जा रही है। Transmission information in male silk from mouth. अब सिल्क में मौत के अंदर, मौत के अंदर एक हम एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूं। अब हम मौत कहते हैं किसे हैं, जो लाइट के ऊपर पतंगे आ जाते हैं उनको हम मौत कहते हैं। दिस रिजेंबल विद अ बटरफ्लाई, नॉट दैट दे आर नॉट एक्चुअली द बटरफ्लाई, सिंपली आप इसका एक देखने के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं आइदर इज अ बटरफ्लाई एज अ मौत, बिकॉज दे आर रिजेंबल विद वन अनदर, दोनों ही एक ही कैटेगरी से एक ही तरह की उसकी शेप होती है। आप देखें जो मौत है और बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई एक तो एंटीना में डिफरेंस है, वो तो बजाय नजर नहीं आएगा, हम जो देखकर उसको रियलाइज करना है। जब हम उसमें से बटरफ्लाई किसी भी जगह फ्लाइट करती है और उसमें से फ्लावर के ऊपर बैठती है या किसी भी जगह बैठती है, वो अपने दोनों विंग्स को साथ मिला लेती है, उसके विंग्स वर्टिकल हो जाते हैं टूवर्ड्स द बॉडी। और जो मौत होगा, जो सिट डाउन होगा लाइट के ऊपर, किसी सबस्टेटम के ऊपर, किसी वॉल के ऊपर, द विंग्स ऑफ दैट मौत कैन नॉट बी वर्टिकल, दे आर द पैरेलल टू द बॉडी, पैरेलल हो जाते हैं लाइक दैट, वो मौत होगा। यहां पे मैं देख सकते हैं। अब इसके अंदर ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन मेल मौत के सिल्क वर्म मौत के अंदर कैसे इसमें से होती है, एनिमल केमिकल सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड करता है। That chemical cues जो इसमें से होते हैं, this called the pheromones. This is responsible. These chemicals used for the mating, mate finding. Pheromones, those chemical substances which produce the one organism and change the reproductive behavior of the opposite gender of the same species. वो chemicals होते हैं, यानी अगर उसमें से एक ही species का एक gender produce करेगा, वो उसी स्पीशीज की अपोजिट जेंडर के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड फेरोमोन्स, उसको कहा जाता है, मेजरली डेफिनेशन इसकी है। सिमिलर जो सिल्क पर मौत है उसकी फीमेल सेक्रेट करती है फेरोमोन, दिस इज कॉल्ड द बॉम्बिकोर, वो एक स्पेशल ग्लैंड से प्रोड्यूस करती है। वो ग्लैंड कहां पर मौजूद है, दिस आर कॉल्ड एब्डोमिनल ग्लैंड। और मेल मौत में, मेल मौत ये फेरोमोन प्रोड्यूस नहीं करता, और मेल मौत इस फेरोमोन बॉम्बिकोर से हाईली सेंसिटिव है, जैसे वो प्रोड्यूस करेगी वो एयर के अंदर पार्टिकल्स आएंगे, मेल के एंटीनी उसको रिसीव करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल है, मेल कैन डिटेक्ट द सेंट ऑफ द फीमेल, सेंट ऑफ द फीमेल दैट इज दोस बॉम्बिकोर फ्रॉम 4 to 5 kilometers डाउन विंग बाय द फीदरी एंटीनी equipped with the specialized senses है। उसकी जो फीदरी एंटीना होंगी उसके स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उस डायरेक्शन में 4 to 5 kilometers तक वो उन केमिकल्स को जो विंड लेकर जा रही है वहां से भी मेल मौत उसको डिटर्मन कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। जब वही बॉम्बिकोर के पार्टिकल्स वो केमिकल एयर के अंदर होती है, एयर उस मौत को जाकर टच करता है, उसकी फीदरी एंटीने के ऊपर बॉम्बिकोल जाकर सेटल हो जाता है और रिसेप्टर के साथ हो जाता है, तो उसकी रेस्टिंग जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाती है। व्हेन मेल मौत इज एट रेस्ट द बॉम्बिकोल रिसेप्टर सेल्स ऑन हिज एंटीनी रिलेटिवली लो सोडियम आयन कंसंट्रेशन एंड रिलेटिवली हाई पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन कंपेयर टू सोडियम।
ये मैं बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा, जैसे सुपरफिशियल बातें बता रहा, तो पोटासियम आयन की कंसंट्रेशन हायर होती है इनसाइड और एज कम्पेयर टू आउटसाइड, और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन न्यूरॉन के बाहर ज्यादा है 10 टाइम्स एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। फिर स्पेशलाइज, जैसे उस रिसेप्टर के ऊपर वो बॉम्बिकोल आकर अटैच हुआ तो स्पेशलाइज एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पंप एक्टिवेट हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोडियम आयन्स को क्या करना शुरू कर दिया, दे पंप्ड आउट सोडियम एंड पंप्ड इन पोटासियम। उन्हें सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर दिया क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन इट मस्ट बी यूज्ड, एटीपी इज वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिकॉज सोडियम इज ऑलरेडी हायर आउटसाइड, तो यहां से सोडियम को पंप किया जाएगा, एक पंप में 3 सोडियम कैन बाहर जाएंगे, 2 पोटासियम कैन अंदर की तरफ आएंगे, इससे से नेट पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा जा रहा है, अंदर कम होता जा रहा है। एडिशनली न्यूरॉन्स के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो ज्यादा मौजूद होती हैं इन साइटोप्लाज एज कम्पेयर टू द स्ट्रोनियम, एंड ड्यू टू दिस बॉम्बिकोल रिसेप्टर एट रेस्ट इज मोर नेगेटिवली चार्ज इनसाइड देन द आउटसाइड। तो ये बात हो गई, दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन विच इज एट -70 मिलीवोल्ट्स, एंड इस कंडीशन के अंदर वन न्यूरॉन आर नेगेटिव इनसाइड एज कम्पेयर टू द आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन बिकम पोलराइज्ड। अब उसमें से एयर करंट्स ब्रिंग करता है बॉम्बिकोल मॉलिक्यूल्स को, फिर वो उसमें से क्या करते हैं, जब वो बॉम्बिकोल्स के मॉलिक्यूल मेल के एंटीनी के रिसेप्टर के साथ उसमें से अटैच हो जाते हैं, इस कंटेक्ट की वजह से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हो जाते हैं उनकी डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब ये होता है न्यूरॉनल चार्ज पोलैरिटी बिकम रिवर्स, इनसाइड बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव, तो ये उस पोलराइजेशन बदलेगी, तो इसको नाम दे दिया जाएगा डीपोलराइजेशन। रिजल्टेंटली इसके रिजल्ट में सोडियम आयन विल मूव इनसाइड, अब सोडियम अंदर की तरफ आएगा, परमेबिलिटी ऑफ सोडियम बिकम इंक्रीज, पोटेशियम आयन उसमें से बाहर की तरफ जाएगा, सोडियम तेजी से अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, दैट्स वाई इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द आउटर साइड, this is called the depolarization of the neuron and this is the very important for the transmission of the nerve impulse in the neuron, aur yahi baat batayi ja rahi hai yahan par ki kaise change hoti hai neurons ke andar, kaise message convey hota hai us organism ko, kaise pata chalta hai ki usne ye activity perform karni hai, these received signal will be transmitted neuron to neuron and eventually to reach the brain, ab us neuron se hote hue ye signal brain ki taraf jayenge, मेल माउथ रिसेप्टर सेल सेंड एक्शन पोटेंशियल टू द ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू द बॉम्बिकोल स्टिमुलेशन। अब ये बात तो होगी कि उसकी तरफ मैसेज कन्वे हो गया, ब्रेन को बता दिया गया कि इन रिसेप्टर के साथ ये केमिकल अटैच हो चुका है और इस केमिकल्स का आगे ब्रेन के किस एरिया में उसने अब स्टिमुलेशन दी है, और ब्रेन उसको एनालाइज करने के बाद उसका रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा, ब्रेन इंटीग्रेट दीज एक्शन पोटेंशियल विद ए सिग्नल, उन सिग्नल को क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को सिग्नल के साथ इंटीग्रेट करता है और उसके रिस्पांस में, यानी सिग्नल का एक्शन पोटेंशियल का इंटीग्रेशन है, इसके इंटीग्रेशन के रिस्पांस में बिहेवियर रिस्पांस होता है, वो बिहेवियर वर्क परफॉर्म करता है, तो एनिमल्स के रिस्पांस बिहेवियर परफॉर्म करेगा। एट द एंड ऑफ द नर्व पाथवे द एक्सॉन ऑफ द लास्ट न्यूरॉन सिनेप्स विद द इफेक्टर मसल्स रिजल्टिंग इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू विच मेल मॉथ विल फ्लाई। आखिर में इसमें पाथवे में क्या होगा, जो एक्सॉन का पाथवे है वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनाता है जिसके रिस्पांस में उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, उनके मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन की वजह से उनके अंदर फ्लाइट होगी, फ्लाइट वो करेंगे, फ्लाई करेंगे, फ्लाई अप विंग टू फाइंड एंड लोकेट द फीमेल मेट विच इज सेक्रीटिंग द बॉम्बिकोल, यानी उस तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्टेड मूवमेंट्स है और इसको कीमो डायरेक्टेड मूवमेंट भी कहा जा सकता है, कीमोटेक्सिस भी कहा जा सकता है, बिकॉज इट्स अ डायरेक्टेड मूवमेंट टू द टूवर्ड्स द पार्टिकुलर केमिकल्स टूवर्ड्स उसके जहां से उसका ओरिजिन हो रहा है वहां से इसमें से होगा। यहां से देखें इसमें से एक सिल्क को मौत को दिया गया, ये कि बॉम्बिकोल है, ये इन दिस इज अ फीदरी एंटीनी है इन ऑर्गेनिज्म के, बॉम्बिकोल डिटेक्ट ऑन द मेल्स एंटीनी, उसके एंटीनी को डिटेक्ट करेगा कॉजिंग देयर विंग्स टू फ्लटर, उस अपने विंग्स को वो फ्लैपिंग करेगा, टू पेयर ऑफ विंग्स हैं, और फ्लैप करने के बाद अपने मेटिंग की मेट की तरफ उसमें से चला जाता है, जहां से जिस डायरेक्शन से वो उसमें से बॉम्बिकोल सेक्रीट होके आ रहा होता है,
और जो सेंसरी रिसेप्टर है जो एनिमल की बॉडी के अंदर पाया जाता है, ये बेसिकली फाइव डिफरेंट टाइप्स है। कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल डिटेक्ट द केमिकल्स, मैकेनो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द मैकेनिकल प्रेशर, इलेक्ट्रो रिसेप्टर वो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगा, थर्मो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द टेम्परेचर, एंड द फोटो रिसेप्टर, दीज आर द टू रिसेप्टर विच आर यूज टू डिटेक्ट द लाइट। If the nerve impulse are all similar, how do neurons transmit by information about the nature and strength of the stimulus? अगर सारी ही nerve impulse एक जैसी हैं, तो कैसे पता चलेगा animal ने ये particular behavior perform करना है? कैसे पता चलेगा animal ने उड़ कर जाना है, या animal ने hide करना है, conceal करना है, क्या उसको पता चलेगा? इसका सबसे बड़ा ये होगा कि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस रिसेप्टर के साथ वो केमिकल सब्सटेंस अटैच होगा, वो रिसेप्टर के न्यूरॉन ब्रेन के पार्टिकुलर एरिया में टर्मिनेट होते हैं, वो पार्टिकुलर एरिया सिर्फ उसी ही स्टिमुलस के रिस्पांस के लिए बना है। तो जो इसमें से जो बम्बीकोल एंटीना के जिस रिसेप्टर के साथ अटैच हुआ है, उसके साथ जो न्यूरॉन कनेक्टेड थे, वो ब्रेन के उस एरिया में जाकर टर्मिनेट हुआ जिसका काम ये था कि वो इसको डिटेक्ट करने के बाद मेल फ्लाई करे टूवर्ड्स द ओरिजिन। और स्ट्रेंथ उसकी डिपेंड इस बात पे करेगी कितने न्यूरॉन्स या न्यूरोनल फाइबर्स एक इंपल्स को ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं। जितने ज्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा उसका स्टिमुलस पावरफुल होगा और उसका उतना रिस्पॉन्स भी पावरफुल उसमें से हो जाता है। और जो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूरॉन्स मे बी कम्युनिकेटेड इन द एटलीस्ट टू वेज कि न्यूरॉन की स्ट्रेंथ कितनी है, किसमें कैसे होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक में वेरी विद सिग्नल इंटेंसिटी, स्पाइक्स होते हैं जो न्यूरोनल स्पाइक्स हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है विद सिग्नल इंटेंसिटी के साथ। सेवन न्यूरॉन कैरिंग द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी फाइव स्टिमुलसली साइमल्टेनियसली। अब ये भी हो सकता है कि बहुत से न्यूरॉन एक ही स्टिमुलस को साइमल्टेनियसली लेकर जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली ब्रेन को जाकर दे रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, उसका जो रिस्पॉन्स होगा दैट मस्ट बी क्विकर एंड स्ट्रॉन्गर। एथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं जो दो सेंसेस स्टडी द एनिमल बिहेवियर डिपेंड डिवेल्प द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंसरी फिल्टर्स ऑन पेरिफेरल एंड अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑन पेरिफेरल अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके फिल्टर का मतलब होता है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती, उनको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने का ब्रेन के सेंटर के अंदर भेजा जाता है ताकि वो प्रिसाइज वे में अपने रिस्पॉन्स करे, जो अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको वहां से रिमूव कर दिया जाता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है, उसको ब्रेन के रिस्पॉन्स के लिए रेडी नहीं किया जाता, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पेरिफेरल फिल्टर फंक्शन एट द लेवल ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर के ऊपर जो पेरिफेरल रिसेप्टर, अगर हमारी स्किन को कुछ स्लाइटली टच करता है, हम इस मूड में नहीं होते उसके रिस्पॉन्स दें, तो हम उसका चाहते हुए या ना चाहते हुए रिस्पॉन्स नहीं देते। लेकिन समटाइम्स उसको टच किया जाता है, हम इंटेंशनली उसके रिस्पॉन्स देते हैं, इसका मतलब दिस इज अ सेंसरी रिसेप्टर। सेंट्रल फिल्टरिंग प्रोसेसिंग विद इन द नर्वस सिस्टम सॉर्ट आउट इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, सिलेक्ट रेलेवेंट आर द इम्पोर्टेंट स्टिमुलस फॉर फर्दर एक्शन एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अब अगर इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन की तरफ पहुंचा दी, अब ब्रेन के अंदर भी उसमें से फिल्टरिंग यूनिट्स पाए जाते हैं, वो फिल्टरिंग क्या करेंगे, उसको ब्रेन के हायर सेंटर में भेजने से पहले उसको फिल्टर कर लेंगे कि इन इन्फॉर्मेशन के आगे जाने की जरूरत है या नहीं। अगर वो डिस्कार्डेड इन्फॉर्मेशन है, अनवॉन्टेड इन्फॉर्मेशन है, दे कैन बी निगलेक्टेड, दे कैन बी डिस्कार्डेड, दे कैन कन्वे टू द हायर सेंटर। हाँ बेटी, नेक्स्ट दैट इज द एक्टिविटी, डू यू नो मोड ऑफ एक्शन ऑफ द बॉम्बिकोल? थिंक, ये आपकी एक्टिविटी है, इमेजिन एंड गिव योर सोल्यूशन, आपका आपने बताएं। अब इसका आंसर आप बताएं, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो एक्शन पोटेंशियल उसमें से है जो बॉम्बिकोल का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? थिंक, सर्च एंड लेट मी टेल। If you have any question, don't shy, let me know, I will tell you. Agar koi question aapko problematic hai, koi baat samajh nahi aati, then you must be comments. YouTube mein jaye, video ko open kare, wahan se comments kar dein, taki phir main aapko uska particular way mein response de sakun. Further videos ko dekhne ke liye mere channel ko subscribe zarur kijiyega, zarur dekhen aur subscribe karein. Thank you very much.